लोग दातां भी ले सन वत भी ओ रश नहीं पड़दा जेड़ा बुढ़े रश होंदा इहदी कदी वजह भी समझ आई ਉਦੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ਗਾਨ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਮਗਨ ਚਿਪਿਆਂ ਵਾਹ ਆਓ ਇਹ ਖਾਲਿਸ ਅਰਕਾਮ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕੁਮੈਰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਅਸਲਾਮ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ अल्लाह सोने जिस दे नाम दी मंजूरी दिती है ना उस शख्स नु इस महफिल दे विच आवण दी तौफीक मिली ते जेड़े जिन्ना दे नाम दीयां मंजूरियां दे के उन्हां नु फिर महफिल दे बाहर विच लियाया बंदा इह गल अपने दिल दी तस्दीक दे लई लै वंजा है उन्हां नु खाली वापस नहीं मुड़िया बंदा खाली वापस नहीं मोड़ा बैठा क्यों जो उन्हें दिया मंजूरियां हो ही होगी हैं तां वो लोग मैं फिर मुस्तफा आए चंदे लिहाजा नसीब आए कि आज कुछ घड़ियां अल्लाह तआला ने अपने हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र वास्ते सानू इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाई आज के रानी जनाब के सामने अठवें पारे की दो आयात मुकद्दसा तिलावत करने की मसादत हासिल की थी एक हदीस पाक का हिस्सा भी पढ़िया खालिक कायनात के शास्त्र में कुल ऐ मेरा सोना नबी ऐलान करो फरमाओ और लफ्ज कुल की चाशनी है इदा सलाद है इदा मजा है भाई हुंदा कलाम रब दा पर रब चाहता कलाम मेरा होवे पर जबान मेरे मुस्तफा की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक कुल कह के अपनी बात भी तेरे लब से सुनी क्या बात कुल कह के अपनी बात भी तेरे लब से सुनी थी अल्लाह हको है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद सुभान अल्लाह बोल दे नहीं ओ बोल बिछड़े बोल पीर मेरे निशान मोहम्मद अल्लाह का नाम है मेरे ख्याल में कभी सलाम दे दो मैं सिवाय चार मन मौल में तिलावत बाकी इन पे मैं तो पता नहीं मसीह की हुंबत है क्या नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जशरीन मिलाद नबी जिंदाबाद फरमाए सुन्नत जिंदाबाद पहले मैं भाई उमर को टाइम देता ही जोर तो बात का क्योंकि मैं आप नाम शरीफ स्कूल में ना मैं समझा विषय हेड मास्टर छुट्टी ना देवे मतलब हेड मास्टर भी कॉलेज से लाके दा साडे को जनाब सफदर साहब चुसु पाठक ने उन्होंने मैं दसी होगा फिर कोई मसला नहीं है तो तुम बोले बेटा अपन ही जा सुभान अल्लाह उस बंदे को हाल हालात की तो मैं आया बैठा था कोई दिल में सुन ही नहीं था सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह आते मैं आके दबा दूंगा और समय मैं सवेरे 7 बजे लादा मुसल निकलिया के बड़ी स्पीड से स्पीड गड्डी लेके कॉल कर सुभान अल्लाह तक होना मैं जिस तरह की एक बार कोई बयान भी किया तुसी तो माशाल्लाह और करंट उठी के आए हो ते जिक्र खुदा वास्ते आए हो जिक्र मुस्तफा वास्ते आए हो मैं आता जे तुयो तो झोलियां खाली ना होए कुछ ना कुछ लेके जाओ सुभान अल्लाह तकरीर मेरी थोड़ी समझण नाल तल्लक रखती है तवज्जो देखो फरमाया कुल मेरे हबीब ऐलान करो केड़े ऐलान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल की कैफियत का बयान है सुभान अल्लाह हुजूर की आजजी का जिक्र है सरकार की इंकिसारी का जिक्र है हुजूर की रब नाल मोहब्बत का जिक्र है फरमाया ऐलान करो इन सलाती सुभान अल्लाह बेशक मेरी नमाज मेरे नबी के ऐलान करो कि बेशक मेरी नमाज व नुसुकी मेरी कुर्बानी व महयाया मेरी जिंदगी व ममाती मेरा दुनिया तो पर्दा करना कितनी अशिया चार नमाज कुर्बानी जिंदगी और दुनिया तो पर्दा ये चार चीजें
ये पता है किस वास्ते? फरमाया सुना ऐलान कर लिल्ला, ये सब कुछ मेरा अल्लाह वास्ते। आवाज आ रही बोलो किस वास्ते? सारे लोग किस वास्ते? अल्लाह वास्ते। नमाज मौलवी वास्ते या प्यो वास्ते नहीं, ये स्कूल में उस्तादा वास्ते नहीं, किस वास्ते? अल्लाह वास्ते। बोलिए किस वास्ते? बोल तो सारे किस वास्ते? अल्लाह वास्ते। तो हम जगह वास्ते मजाइए की गल करें, नंबरदार साहब वो नमाज पढ़न, नौकर चाकर कोई ना पढ़न, उन्हें आखो सुनो आज जो मेरे नाल नमाज करने ना आए उन्हें मैं कट छोड़ने की धमकी। दुआ करो ना आज भी इनके सरदार पैदा हो जाए। खैर नौकर चुर पे नाल हिक विच को चंगा गलो आई वो उकर नंबरदार उनके नाल खड़ो रहे, नाल खड़ोता इमाम साहब नियत की थी अल्लाह पर वो क्या नियत करता नियत सुनाए आधा खास नियत की थी मैं इस नमाज दी नमाज पढ़ता वास्ते नंबरदार दे चंगी उच्ची चंगी नंबरदार अगर उन्होंने क्या करी नमाज का टाइम है चलो ऑक्स ऑफ करके कोई नमाज तो पढ़ी है ना तो बाद इसको पूछ लेना नमाज पढ़ी गई दादे के पड़े साथ कोई आप एक के पीते उस आखा नंबरदार साहब रब वास्ते पढ़नी हो मैं तब के भी पढ़ाया आज तेरे वास्ते गया तो तेरी नहीं होती करनी है ना तो रब ने फरमाया इन सलाती मेरा सुनन दस बेशक मेरी नमाज वनो सुखी मेरी कुर्बानी वमहयाया मेरी जिंदगी वमामाती हत्ता के फिर मेरा दुनिया तो टुर भजना लिल्ला अल्लाह वास्ते। सब बोलिए किस वास्ते? अल्लाह वास्ते। बोलिए बोलिए किस वास्ते? अल्लाह वास्ते। अल्लाह वास्ते। हाजी ग्रामी आओ तवज्जो करो यानी नमाज कुर्बानी जिंदगी जिंदगी के सारे मामला जिंदगी दिया सारिया गल्ला सब किस वास्ते? सब बोलिए अल्लाह वास्ते। सारे बोलिए किस वास्ते? अल्लाह वास्ते। यानी दिखावा नहीं दिखलावा नहीं रियाकारी नहीं, जो कुछ भी करो थोड़ा करो या ज्यादा करो किस वास्ते करो? अपने रब सोने नु राजी करन वास्ते करो, अपने रब नु मनाउन वास्ते करो, अपने अल्लाह सोने नु राजी करन वास्ते करो। हाजी ने करामी ओदी वजह की है जे अल्लाह सोना हो गया राजी अल्लाह सोना हो गया नाराजी खुदा की कसम चा जाना वक जानने में दाखला नहीं है मतलब बोला नबी जन्नत अता फरमाएगा हाजी ने कहा नहीं आइए तवज्जो दे जाए एदी तफसीर के अंदर एक वाक्य नज़र करना चाहना तवज्जो ना सुनाए हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा आ अधिया करन दा ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਨੀਆਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਮੈਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚੁਆਤੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਆ ਗਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਈਆਂ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਸ਼ਈਆਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ ਅੰਮਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਕੇ ਕਿਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਮਾ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜ ਵਕਤ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਰਮਾਵਾਂ ਨਬੀਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੁਆਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਜਹੰਮ ਸਾ ਰਾਤੀ ਜੰਨਤ ਸਾ ਦੇਵਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਜਹੰਮ ਬੁਝਾ ਦੇਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆ ਦੇ ਅੰਮਾ ਏਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਏਡਾ ਤਬੀਜਤ ਤੇ ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਜ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਜਹੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਜੰਨਤ ਚ ਦਾਖਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਹਨਮ ਬੁਝਾ ਦਿਓ ਜੰਨਤ ਸਾੜ ਦਿਓ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼
کے فرمایا بیٹا جو کچھ بھی کرنا نا اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتا کرا سبحان اللہ سبحان اللہ بول سو سبحان اللہ اللہ نو سارے بولو اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتا کرا میرے بھائیو نماز جے پڑھیے تے اللہ سونا قبول نہ کرے تبا کدے گئی تیری جنت کدے گئی تیری جہنم روزہ بھی رکھے اللہ سونا قبول نہ کرے کدے گئی تیری جنت کدے گئی تیری جہنم حج بھی کرے عمرے کرے نیکیاں کرے لیکن جے کر اللہ سونا قبول نہ کرے تو سب چیز نہ احرام چلی جائے گی گھڑی والا بابا جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آخر میں دیا ہے کرنا کرنا ہر اپنا
ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰੇ ਸੁਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਲੰਬੋ ਇੱਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਖਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬੰਦੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫੀ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਾ ਵਫੀ ਆਖਿਰਤਿ ਹਸਨਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰੇ
पितरे पितरे आदि की सुनी मुशरिक रात अल्लाह ए अल्लाह ने शिर्क कर दिया ने हुजूर रब नाल मिला दे ने मैं आका बोली हो ए दिल तन न लगाओ असी तक आका दा मिलाद मने गया सुभान अल्लाह दे मिलाद शिर्क दी अंतर कपे ना क्यों मिलाद का मतलब के जिदा मिलाद के जिदा जमिया अल्लाह को ने He comes.
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ جناب آدم بنے پہلے انسان کوئی شک ہے کوئی شک نہیں نا سنیا کیا بابے آدم تو پہلے بھی کوئی مخلوق ہے ہائی کوئی مخلوق آؤ سنو رب القرآن فرمایا پہلا پاک وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اپنا آدم بنایا میرے آدم کو سجدہ کر